अमरवाड़ा में अचानक कुछ लोगों के द्वारा एक षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी की टिकट ऐसे एक व्यक्ति को, एक महिला को दिला दी गई जो कि हिंदू विरोधी है, और उनके पिताजी जो पूर्व में यहाँ के विधायक रहे हैं उनके द्वारा भी हिंदू विरोधी गतिविधि हमारे विधानसभा क्षेत्र में चलाई गई है। लगातार राम का विरोध करते हुए उनके द्वारा रामायण को जलाने का कृत्य भी किया गया है, ऐसा हम सुनते आए हैं। और ये आपसी रंजिश के चलते में दो चार नेताओं के द्वारा जो अमरवाड़ा विधानसभा में हिंदू विरोधी राम विरोधी को यहाँ टिकट दी गई है, उसी के विरोध में आज अमरवाड़ा में उत्तम भैया के पक्ष में और राम विरोधियों के विरोध में हम सब कार्यकर्ता बंधु यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हम हमारे ये कह रहे हैं कि राम विरोधी इस विधानसभा में नहीं चलेंगे, जैसा कि पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी राम विरोधियों का विरोध कर रही है और राम के पक्ष में अपना हमेशा काम करते आई है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जो चुनाव है यहाँ पर राम को मानने वाले, राम को जानने वाले और राम का सम्मान करने वाले ऐसे हमारे उत्तम जी ठाकुर को यहाँ से टिकट दिया जाए, ताकि हम उन्हें विजय श्री दिला सकें और पूरी जनता जो आज आक्रोशित है उनके मन में भी एक प्रकार क्षेत्र में ऐसे प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाया गया है जो कि सनातन विरोधी है और हिंदू विरोधी है, और इनके पूर्वजों के द्वारा रावण की पूजा की जा रही है और रावण का मंदिर बनाया गया है, और ये खुद कहते हैं कि हम सनातन विरोधी हैं, हम हिंदू नहीं हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि समूचे विधानसभा क्षेत्र में इनका विरोध है और हिंदू समाज इनका पूरा विरोध करती है कि हम ऐसे प्रत्याशी को कैसे स्वीकार कर सकते हैं जो राम का नहीं, वो हमारा किसी काम का नहीं। हमारे श्री राम हमारे आराध्य हैं और हम राम भगवान को मानते हैं, और उनके विरोधी को हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं, ऐसा सोच के भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं आज यहाँ पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं और इस विरोध प्रदर्शन में वो साथ में चलेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ हमारे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू उत्सव समिति ऐसे अनेक संगठन जो है साथ में चल रहे हैं और